इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में शगुन आर्किड बिल्डिंग में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सेकंड फ्लोर के ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में धुआं फैल गया। उस दौरान तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल पर ऑफिस में काम करने वाले कई लोग फंस गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू चालू किया। उसी दौरान कलेक्टर आशीष सिंह, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह और क्षेत्र के DCP अभिनव विश्वकर्मा भी मौके पर पहुंच गए थे। क्रेन की मदद से लोगों को तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल से नीचे उतारा गया। उसमें तीन लोग सफोकेशन के कारण सांस लेने में दिक्कत हुई और उनको पड़ोस में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि आप पूरी आग विजयनगर थाना क्षेत्र के शगुन आर्केड में लगी थी। आज छुट्टी के कारण कई ऑफिस बंद भी थे, वहीं कई ऑफिस में काम किया जा रहा था। जिस ऑफिस में यह आग लगी वह कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस है। जिस समय आग लगी उस समय यह ऑफिस बंद था। देखिए क्या है, ये हमको फायर की सूचना मिली थी। ये शगुन मल्टी है, शगुन मल्टी में फायर हुआ था और हमको सूचना मिलती है, हम लोग तत्काल पहुंचे हैं। कई पहुँचने के बाद में हमने अंदर जो है आग को बुझाने का प्रयास किया। सेकंड फ्लोर पे आग थी, है ना, सेकंड फ्लोर पे आग थी, आग को बुझाने का प्रयास किया। जब लोगों ने बताया कि अंदर लोग फंसे हुए हैं तो उनको हमने निकालने का प्रयास किया है। हमारे पास PSH पहना करके कर्मचारी को भेजा है, अंदर से निकाला है। कुछ लोगों को अंदर मालूम पड़ा कि मेरा नंबर उनको पास चला गया, बोले सर हम लोग इसमें फंसे हैं, 402 में फंसे, 403 में फंसे। तो मैंने सबको निकालने का प्रयास किया, ऐसे कर कम से कम 42 आदमी निकाले हैं। ये आग लगने का कारण तो नहीं कह सकते, इसके अंदर अभी कैसे पूजा हुई थी आज 11 का दिन है, तो दिए वगैरह भी लगे हुए थे। हो सकता है चूहे से दिया खसक गया हो या फिर हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ। अभी आग का कारण बताना मुश्किल है। धुआं ज़्यादा था, धुआं ज़्यादा होने की वजह से कई लोग आहत हुए हैं इसमें। और इसमें मेरे ख्याल से दो आदमी, तो मेरे ख्याल से एक के अंगूठे में कांच फोड़ने से लगी है और एक शायद दो एक आदमी धुआं इनहेल कर गए। इसमें तीन आदमी का बता रहे, तीन आदमी कम समथिंग, तीन आदमी ये मतलब ऊपर टॉप तक फंसे हुए थे। अभी ये कितना फ्लोर है अभी जानकारी नहीं पूरी। फायर सेफ्टी का संसाधन देखना अभी संभव नहीं है, इसकी जांच सुबह जो अभी देखने पे आएगा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मेरा नाम सुशील कुमार दुबे, पुलिस फायर ब्रिगेड गांधीयाल, ASI। ये आग लगी है, क्या कारण थे, ये सारी चीजों की पड़ताल जो है वो कल। कितने लोगों को बचाया? देखिए लगभग 15 की संख्या में अलग अलग फ्लोर के लोग थे जिनको मल्टीपल। कोई सीरियस है या कोई झुलसा? देखिए नहीं, ऐसा कोई सीरियस कोई भी नहीं है। और ये जरूर है कि धुएं की वजह से हल्की फुल्की समस्या कुछ लोगों की थी, लेकिन तत्काल उनको अस्पताल ले जाया गया। अभी से आग लगी है और जो सेकंड फ्लोर पर आग लगी है उसका धुआं 1200 फ्लोर तक भी पहुंचा। इसकी वजह से ऊपर के फ्लोर पर जो लोग थे, लगभग 15 के आसपास लोग थे, वो उसमें फंस गए थे। जैसे ही खबर लगी, पूरी फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, फायर की पूरी टीम यहां पर नगर निगम की पहुंची और उन्होंने फायर पर भी कंट्रोल पाया। प्लस इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। आसपास के लोगों ने भी इसमें काफी मदद की। प्रथम दृष्टया जो शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग दिख रही है, हाइड्रेंट जो है, फायर हाइड्रेंट यहाँ पर बिल्डिंग में इंस्टॉल्ड है, लेकिन शायद कोई उसको उस समय चला नहीं पाया होगा, इसीलिए जब नगर निगम के द्वारा फायर ब्रिगेड पहुंचे उसके बाद इससे कंट्रोल पाया गया है। कुछ लोग जो है धुएं की वजह से जो फंसे हुए थे उनको किसी समस्या दिख रही थी, फिलहाल जो अस्पताल ने बगल में रखा होता है उनको एडमिट भी कराया गया है, उनका उपचार भी कर दिया गया है। थोड़ी सीरियस नहीं है, इन कारणों से ऐसा हुआ और जो दूसरी चीजें थी उनकी पड़ताल कर रही। सर टोटल कितने लोगों पर एक्सीडेंट किया? लगभग 15 लोग थे जिनको जो फंसे हुए थे, जो अलग है। सर बिल्डिंग की हाइट ज्यादा होने के कारण संसाधन की भी कमी महसूस हुई है? देखिए ऐसे संसाधन की कमी जैसी कोई स्थिति नहीं है, मौके पे टीम तत्काल पहुंच गई थी। चूंकि धुआं जो है वो ज्यादा था और उसकी वजह से लोग आग पर फंसे हुए थे, जैसे जैसे हमारी टीम ने तत्काल आग पे काबू पाते हुए और फिर लोगों को धीमे धीमे रेस्क्यू किया, जो SOP होता है उसके हिसाब से, और अच्छी बात है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर रहे थे। आग लगी है और जो सेकंड फ्लोर पर आग लगी है उसका धुआं 1200 फ्लोर तक भी पहुंचा। इसकी वजह से ऊपर के फ्लोर पर जो लोग थे, लगभग 15 के आसपास लोग थे, वो उसमें फंस गए थे। जैसे ही खबर लगी, पूरी फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम, फायर की पूरी टीम यहां पर नगर निगम की पहुंची और उन्होंने फायर पर भी कंट्रोल पाया। प्लस इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। आसपास के लोगों ने भी इसमें काफी मदद की। प्रथम दृष्टया जो शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग दिख रही है,
हाइड्रेंट जो है फायर हाइड्रेंट यहाँ पर बिल्डिंग में इंस्टॉल्ड है, लेकिन शायद कोई उसको उस समय चला नहीं पाया होगा, इसीलिए जब नगर निगम के द्वारा फायर ब्रिगेड पहुंचे उसके बाद इससे कंट्रोल पाया गया है। कुछ लोग जो है धुएं की वजह से जो फंसे हुए थे उनको किसी समस्या दिख रही थी, फिलहाल जो अस्पताल है बगल में रखा होता है उनको एडमिट भी कराया गया है, उनका पूछताछ भी कर दिया गया है, थोड़ी सीरियस नहीं है। किन कारणों से ऐसा हुआ और जो दूसरी चीजें थी उनकी पड़ताल कर रही है। टोटल कितने लोगों को रेस्क्यू किया? लगभग 15 लोग थे जिनको जो फंसे हुए थे जो अलग है। सर बिल्डिंग की हाइट ज्यादा होने के कारण संसाधन की भी कमी महसूस हुई है? देखिए ऐसे संसाधन की कमी जैसी कोई स्थिति नहीं है, मौके पे टीम तत्काल पहुंच गई थी, क्योंकि धुआं जो है वो ज्यादा था और उसकी वजह से लोग वहां पर फंसे हुए थे। जैसे जैसे हमारी टीम ने तत्काल आग पे काबू पाते हुए और फिर लोगों को धीमे धीमे रेस्क्यू किया, जो एसओपी होता है उसके हिसाब से, और अच्छी बात है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर।